हेलो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में मैं जो भी एमसीक्यूज़ हैं एरे से रिलेटेड वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट द ऑन दी क्वेश्चंस। तो पहले अगेन वही एडवाइस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ। अगर आपसे इजिली हो पा रहा है तो देन आप लोग सी में साउंड हो, वरना जो भी कॉन्सेप्ट में मिसमैच कर रहे हो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन विल जस्ट गो टू दैट कॉन्सेप्ट एंड प्लीज एक्सप्लोर योर सेल्फ। ओके फाइन, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग ध्यान दो तो स्टैटिक क्या होती है एग्जैक्टली, आपकी स्टोरेज क्लास होती है ना। अब स्टोरेज क्लास का एग्जैक्टली जो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होता है स्टैटिक का, वो क्या होता है? जीरो। एग्जैक्टली क्या यूज़ है? देखो, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ कीवर्ड ऐसे क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता। मे बी स्टैटिक का यूज़ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक एरे गिवन है, तो मैं एरे एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही डिक्लेयर करोगे एरे का मेमोरी बनने वाली है। तो ए नाम है एरे का, कितनी लोकेशन? 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ऑलवेज इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। अगर एरे का साइज आपका 5 है तो 0 से शुरू हो रहा है, तो 5 माइनस 1 मीन्स आपका कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। अगर एन साइज है तो n-1 तक जाने वाला आपका एरे। कुछ ना कुछ एरे का आपका जो पहला एड्रेस होता है उसको क्या मानते हैं? बेस एड्रेस मानते हैं। इंट का साइज में 2 बाइट अज्यूम करके चल रहा हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, कहीं ना कहीं 4 बाइट्स भी होता है। तो 2 बाइट है, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस में 10, क्योंकि एरे सिक्वेंशियल होता है, इसलिए 102, 104, 106, 108 एग्जैक्टली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो सारे एलिमेंट्स लीनियरली स्टोर होंगे विथ सेम डेटा टाइप। अब ध्यान से सुनो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर यूज होने वाले हैं। अगर ध्यान से दो तो एक आई के लिए मेमोरी बनने वाली, आई मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। एक जे के लिए मेमोरी बनने वाली, जे मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखना। एक एम के लिए मेमोरी बनने वाली, एम मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। एक एन के लिए मेमोरी बनने वाली, मैंने वो यहाँ ड्रॉ कर लिया। सबको 2 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, क्यों? इंट का साइज क्या है आपका? 2 बाइट है। इसका एड्रेस मान लिया मैंने 200, इसका एड्रेस मान लिया मैंने 300, इसका एड्रेस मान लिया मैंने 400, इसका एड्रेस मान लिया मैंने 500। अब ध्यान से सुनो, ये आपका पहला एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। हाँ जी, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि राइट में जो भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा वो उसकी वैल्यू कहाँ असाइन होने वाली है? आपकी लेफ्ट में असाइन होने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से दो तो ये क्या है? प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट देखो, दो पॉसिबल, एक असाइनमेंट काम होने वाला है यहाँ, एक इंक्रीमेंट काम होने वाला है। तो प्री इंक्रीमेंट मींस इंक्रीमेंट होके असाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये चीज तो आपको प्रीवियस लेक्चर से भी आइडिया हो गया होगा। तो ध्यान से देखो, किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की? ए ऑफ वन। तो पहले तो एक बात, ये इनिशियलाइज भी कर रखा है, तो 5 यहाँ है, 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 20 यहाँ है, 25 आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ए ऑफ वन, ए ऑफ वन, एरे ऑफ वन क्या है? 10, 10 को इंक्रीमेंट करो, 11 हो गया। ये 11 कहाँ असाइन हो जाएगा? आपका आई में। आई में क्या आ गया? 11 हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर ये एक्सप्रेशन देखोगे तो ये क्या है आपका? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब जो वैल्यू होगी वो पहले असाइनमेंट हो जाएगी और बाद में सेमी कॉलम के बाद कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी अपडेट होने वाली है, पोस्ट इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखो, ए ऑफ वन, ए ऑफ वन की वैल्यू इस समय करंट में क्या है? 11 है, अभी अपडेट हो के 11 कहाँ चली जाएगी? जे में चले जाएगा 11। और प्लस प्लस ए वन की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। एम आई राइट? ध्यान से देखो, जब भी कभी भी प्री इंक्रीमेंट होता तो इंक्रीमेंट होके असाइन होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो पहले असाइन हुआ था बाद में इंक्रीमेंट होता है। ये डिफरेंस है। अब पहला प्रिंट है, आई जे और ए ऑफ वन की वैल्यू प्रिंट करने को कह रहा है। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है आपकी? 11। जे की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली? 11। ए ऑफ वन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? इस समय अपडेट होगी क्या हो चुकी है? 12। अगेन, अब ध्यान से सुनो, अगेन अ इनिशियलाइजेशन। आई में क्या असाइन हो गया? फिर से 1 असाइन हो गया। आई जो है आपका नॉर्मल वेरिएबल नहीं, स्टैटिक नहीं। अगर स्टैटिक होता तो पुरानी वैल्यू को होल्ड करके रखता। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। ये लोग आप स्टैटिक स्टोरेज क्लास में, मेरा एक प्रॉपर वीडियो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का, सी नाम के पोर्शन में, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। ए 1 असाइन हो गया। अब यहाँ पर कोशिश करने की बात है एग्जैक्टली देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है? इंडेक्स है आई। एग्जैक्टली क्या है? इंडेक्स है एरे की। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू से मैं क्या? 1। ए ऑफ 1 पहले असाइन हो जाएगा एम में, बाद में इंडेक्स वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होने वाली है। तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या? 1। ए ऑफ 1 किस में चला जाएगा? एम में। ए ऑफ 1 में इस समय क्या है? 12।
12 चला गया m में, am I right? हाँ जी, अब ध्यान से देखो आप, ओके इतना काम हो गया। अब i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इंडेक्स जो है वो आपकी इंक्रीमेंट हो गई, ओके फाइन। अब ध्यान से देखो, अब i की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, 2 हो गई है, m की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होगी, 12। हाँ जी, अगेन देखो, i की वैल्यू को 2 असाइनमेंट हुआ, 2 ऑलरेडी भी है, 2 फिर से रिप्लेस होकर 2 ही होगी। अब ध्यान से देखो, अगेन इस और इस जो आपका स्टेटमेंट है दोनों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, यहां जो इंडेक्स है वो पहले इंक्रीमेंट होगी, प्लस आई आई का मतलब 3, तो ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 कहां चला जाएगा, एन में चला जाएगा, ए ऑफ 3 क्या है 20, 20 कहां चला गया, एन में चला गया। तो एक बात बताओ, अब आई की वैल्यू क्या होगी प्रिंट होने वाली है, 3, एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20। सो दिस इज योर आउटपुट, 11, 11, 12, 2 और 20 और 3 और 20, ओके फाइन, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखो, पहले तो मैं आपको वही अगेन वही एडवाइस दूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगेन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सिंपल एरे डिक्लेरेशन, देर इज नो इनिशियलाइजेशन, मीन्स अ सिंपल हाउ मेनी साइज ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एरे एन, सिंपल 25 एलिमेंट्स, ईच साइज ऑफ 2 बाइट, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, अगर 4 बाइट का होता तो डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता, ओके फाइन। तो यहाँ पर 2 बाइट अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब 50 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर द एरे एन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज अलोकेटेड फॉर एन, 25 ब्लॉक्स। सपोज दैट मैं इसके लिए मेमोरी ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये मैंने एक मेमोरी ड्रॉ की है, ठीक है। तो इस मेमोरी में एक बात बताओ, कितने ब्लॉक्स होने वाले हैं, 25 ब्लॉक्स होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फाइन। मैंने कुछ रैंडम जो है यहाँ पर ब्लॉक्स, ओके तो जो एक बात बताओ, ये जो है आपका इस एरे का नाम क्या है, आपका एन, इस एरे का नाम क्या है, एन। इंडेक्सिंग आप लोग ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आपका कुछ एरे यहाँ पर है, इतना काम का नहीं है। एक बात बताओ, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी एरे होता है उसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होता है। मान लो कि मैंने जो इसका बेस एड्रेस है वो 10 अज्यूम किया, कितना अज्यूम किया, 10 एज्यूम किया, तो नेक्स्ट कितना होगा, 12, नेक्स्ट कितना होगा, 14, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट का साइज कितना है, 2 बाइट, और एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मींस इन अ सीक्वेंस फॉर्म दे आर स्टोर्ड, ओके बिकॉज ऑफ लीनियर फॉर्म। अब ध्यान सुनो, लीनियरली 10, 12, 24, सॉरी 10, 12, 14, 16, और ये एंड तक जाएगा। एक बात बताओ, टोटल हाउ मेनी, ओके फाइन, आपका 24 तक जाएगा, वाई, बिकॉज ऑलवेज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा, तो ये कहाँ पर खत्म होगा, अगर 10 से शुरू हो रहा है, 10 प्लस 20 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट का साइज कितना होगा आपका, 48, 10 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका, 58 पे जाके ये एंड होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है एड्रेसेस, अब आप लोग ध्यान से देखो, फाइन अगला स्टेटमेंट, एन ऑफ 0 पे आपका क्या एलोकेट हो जाएगा, 100, मतलब पहली लोकेशन पे आपका क्या चला गया, 100, एन ऑफ 24th लोकेशन पे आपका क्या चला गया, 200, एन ऑफ 24 मतलब लास्ट एलिमेंट पे क्या चला गया आपका, 200, मतलब पहली लोकेशन पे आपका 100 है, लास्ट लोकेशन पे क्या आपका 200 है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो, ये इस क्वेश्चन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, दो वैल्यूज को प्रिंट कराना है, पहला मींस फर्स्ट इज रिलेटेड टू दैट और दिस इज रिलेटेड टू दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कंबाइंड करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया एग्जैक्टली क्या होगा। पहले तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लास्ट में पॉइंट बताया था कि एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस, एम आई राइट, कई बार मैं ये आपको चीज बता चुका हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। एक बात बताओ, एन इज वॉट, एरे नेम, एरे नेम इज रिप्रेजेंट इट्स एड्रेस, इट्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, 10। हाँ जी, 10 पे वैल्यू क्या है, 100, तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है,
100 प्रिंट होने वाली है। फाइन, अब ध्यान से देखो, अगर इस दूसरे एक्सप्रेशन में आप देखो तो एग्जैक्टली मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, इसको बाद में सॉल्व करूंगा, दोनों का एडिशन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करा दूंगा। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन क्या है आपका, एरे नेम, एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, तो एक बात मान लो ये रहा उसका बेस एड्रेस 10, ठीक, 10 प्लस 24 चूंकि ब्रेसेस लगे हुए तो प्रायोरिटी इसी को मिलने वाली 24। हमेशा ध्यान देना भाई प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे देखो एक चीज मैं आप लोगों को केस बता रहा हूं कि जब भी पॉइंटर्स लगे हों तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही पॉसिबल है। अगर कहीं एग्जाम में आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिखाई देता है इसका मतलब आप एरर शो करोगे कि देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन पॉइंटर वेरिएबल्स, ठीक। तो एडिशन कर रहा हूँ तो ध्यान देना है मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डायरेक्टली 24 ऐड नहीं करते, 24 एलिमेंट्स और हर एलिमेंट का साइज कितना है 2 byte, तो 24 का मतलब कितना 48, ये मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, तो 10 प्लस 48 कितना हो गया 58, तो 58 पे इतने का रिजल्ट 58 पे वैल्यू कितनी है, 58 पे वैल्यू क्या है 200, इतने का रिजल्ट आ गया 200। अब ध्यान से इसे देखते हैं, n प्लस 0 क्या देखते हैं, n प्लस 0, एक और चीज बता रहा हूं यहां पर मैंने एस्ट्रिक लिखना भूल गया, यहां पर एस्ट्रिक है आपका, ठीक है फाइन। अब ध्यान से देखो, n इज व्हाट बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज व्हाट 10, 10 प्लस 0 नथिंग 10, 10 पे वैल्यू क्या है आपकी, 10 पे वैल्यू क्या है 100, तो इसका रिजल्ट क्या है 100 और 200 आपका क्या हो गया 300। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आने वाला पहले एक्सप्रेशन से 100 आएगा और दूसरे एक्सप्रेशन से आपका 300 आएगा। सो दीज आर योर टू क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग अगेन यू कैन पॉज दैट वीडियो एंड फर्स्ट ट्राई बाई योर सेल्फ, ओके। तो ध्यान से देखो, अगर आप लोग देखोगे तो अरे अगेन देर इज अ एरे वेरिएबल और डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ एट द सेम टाइम, तो क्या होने वाला है, बी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी, 5 एलिमेंट्स एंड टोटल 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होने वाली है, यहाँ पर 10 आपका, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, 40 और 50। एक बात बताओ, एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, 0 से 1, 2, 3, 4 एन माइनस 1 तक जाती है, ये एरे का नाम है आपका बी। अगर पहला एड्रेस आप लोग 100 मान रहे हो तो दूसरा क्या होगा 102, क्योंकि एक इंटीजर एलिमेंट का साइज कितना हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं 2, तो 2 क्योंकि सिक्वेंशियली स्टोर है। एरे इज वॉट, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लीनियरली। तो ध्यान से सुनो, ये कितना हो गया 104, 106, 108। अब ध्यान सुनो, एक फर्स्ट लाइन कंप्लीट, सेकंड लाइन I एक वेरिएबल ले रखा है, एक k एक वेरिएबल ले रखा है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो k इज व्हाट अ पॉइंटर वेरिएबल, स्टार लगा हुआ पॉइंटर वेरिएबल अगर है तो क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करने वाला, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बात, इसका एड्रेस मान लिया 200, इसका एड्रेस मान लिया 300। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये एक्सप्रेशन है कहां असाइन होगा, k में असाइन होगा, तो इस एक्सप्रेशन को पहले पढ़ो, बी ऑफ 4, बी ऑफ 4, बी ऑफ 4 लोकेशन पे क्या है आपका, हाँ जी क्या है, बी ऑफ 4 लोकेशन पे आपका क्या अवेलेबल है, 50 अवेलेबल है, बी ऑफ 4 पे 50 अवेलेबल है, बट उसका क्या एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है 108, ठीक। अब माइनस 4, ऑलवेज रिमेंबर यही फंडा है, जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो रॉन्ग होते हैं इसी वजह से, चूंकि हम एक बात बताओ हर एलिमेंट का साइज कितना कंसीडर करके चल रहे हैं 2, तो एक बात बताओ माइनस 4 अगर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, हमेशा ध्यान देना, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, अगर माइनस 4 करो तो 4 एलिमेंट्स मतलब 4 एलिमेंट का साइज, एक एलिमेंट का साइज, तो 4 एलिमेंट का साइज इज व्हाट 8, तो 108 माइनस 8 इन 2, हमेशा ध्यान देना 8, तो कितना आएगा 100 कहाँ साइन हो जाएगा आपका, K में असाइन हो जाएगा, इतनी बात समझ। ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा रिमेंबर रखना है कि जब भी आप लोग किसी भी एड्रेस में कोई इंडेक्स ऐड कर रहे हो, इंडेक्स का मतलब एक एलिमेंट, तो उस हर एलिमेंट का साइज, क्योंकि हमने एड्रेसेस उस फॉर्म में ले रखे हैं इसलिए, ठीक। अब लूप चलाना शुरू करो, आई इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर गए, अब पहली वैल्यू प्रिंट करा है K 100, 100 पे वैल्यू, 100 पे वैल्यू क्या 10, तो पहला आउटपुट 10 के प्लस प्लस। अगेन एक चीज ध्यान देने वाली, के प्लस प्लस का मतलब तुम अगेन आंख बंद करके कर दोगे 100 का 101, अगेन रॉन्ग, हम किसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
एड्रेस को। तो अगर एड्रेस इन देखो, अगर के पास 100 है तो के से इस समय कहाँ 100 लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, के प्लस प्लस वो कह रहा है कि भैया वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। तो ऑलवेज रिमेंबर के प्लस प्लस इज नथिंग, मतलब एक तरीके से बेस एड्रेस प्लस वन, यही तो है। तो वन एलिमेंट का साइज कितना है, टू। भाई के को के प्लस प्लस को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, के प्लस प्लस को के इक्वल्स टू के प्लस वन, तो वन एलिमेंट का साइज कितना है, टू है। तो एक बात, 100 क्या होगा, 102, हमेशा ध्यान रखना हर एक एलिमेंट का साइज। तो अब ये किसको पॉइंट आउट करने लगेगा इसको, ठीक है। ये चीज़ आप लोग रिमेंबर रखोगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू वन, वन इज लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू, अंदर का के पे वैल्यू अगेन प्रिंट करा रहा है। के क्या है, 102, 102 पे क्या वैल्यू है, 20 प्रिंट होगा, अगेन के प्लस प्लस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन इज ट्रू, अंदर का के पे वैल्यू, के क्या है 104, 104 पे वैल्यू 30, फिर अगेन के प्लस प्लस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, हाँ जी 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन इज ट्रू, अगेन के पे वैल्यू, के क्या है 106, 106 पे वैल्यू 40 प्रिंट होगा, के प्लस प्लस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, अब 108 आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 इज लेस 4, देखो ये लेस देन और इक्वल्स टू, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए सिचुएशन ट्रू होने के लिए। तो एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, ओके फाइन, हाँ जी, तो आई इज लेस देन 4, आई की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन तो नहीं और इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4 कंडीशन इज ट्रू, के पे वैल्यू 108 पे वैल्यू क्या है 50 प्रिंट हुआ। अब ध्यान से देखो, के प्लस प्लस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1110, पहली चीज 1110 हुई, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन इज फॉल्स, लूप से इस पर्टिकुलर लूप से बाहर, तो आपका स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 10 20 30 40 50। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। अगर आप लोग ध्यान दो, अभी आप वीडियो पॉज करके पॉज मत करना क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, तो ध्यान से देखो, दिस इज योर हेडर फाइल, ये क्या आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी हम लोग पिछले प्रीवियस दो सेट्स में हम लोग फंक्शन के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर एक एफ नाम का फंक्शन इस पूरे प्रोग्राम यूज होने वाला है जो एक इंट टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा, और दूसरा क्या है इंटीजर पॉइंटर, मींस कोई एड्रेस रिसीव करेगा, इंटीजर पॉइंटर मतलब किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, फाइन, मेन के बाद अब आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले तो, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है, एक एरे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन बोथ एट द सेम टाइम, तो सबसे पहले क्या बनने वाली है मेमोरी, ध्यान से देखो, ओके तो पहली जगह क्या आने वाला है 2, दूसरी जगह आपका 4, तीसरी जगह 6, 8 एंड 10, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 2, 4, एरे का नाम क्या है आपका ए, अगर पहली इंडेक्स जो है वो 100, दूसरी 102, वाई बिकॉज इंट टाइप के टू एलिमेंट होगा 104, 106, 108, इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ो, एक एक बहुत स्टेप वाइज समझना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये, ठीक। दो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है यहाँ पर, एक आपका आई, इसका एड्रेस मान लो 200, ठीक है, एक है आपका बी वेरिएबल, इसमें क्या ऑलरेडी असाइनमेंट हो रखा 5, इसका एड्रेस मान लो 300, इतना काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो सब लोग, फाइन, i इक्वल्स टू 0, एक लूप चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लूप हाउ मेनी टाइम्स चलने वाला है, लेस देन 5 मंथ्स, 4 टाइम्स ये लूप चलने वाला है। अब 4 टाइम्स में क्या सिचुएशन होने वाली है, ध्यान से देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक। देखो, i इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, अगर आप ध्यान से दोनों देख रहे हो तो लूप के अंदर फंक्शन कॉलिंग हो रही है, एफ नाम का फंक्शन है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन मतलब फंक्शन कॉल। अब उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो, अब रूल के अकॉर्डिंग जितने पैरामीटर आप पास करते हो उतने ही रिसीवर चाहिए फंक्शन में, एफ नाम की बॉडी यहां बनी हुई, यहां एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल, ध्यान से देखो, चूंकि मैं बी का एड्रेस पास कर रहा हूं तो पॉइंटर वेरिएबल चाहिए रिसीव करने के लिए, तो यहां पर एक एक्स है आपका और यहां पर एक वाई है, ठीक है, इसका एड्रेस मैंने 400 मान लिया, इसका एड्रेस मैंने 5 मान लिया, यहां से कॉल लगी यहां गए, तो जिस सीक्वेंस में ए ऑफ आई, अब ध्यान से देखो, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है इस समय 0, आई की वैल्यू 0, तो ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 2, तो पहला एलिमेंट पास हुआ वो क्या पास हुआ 2 इज रिसीव्ड बाय एक्स,
ठीक एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी, बी मतलब 5 5 का एड्रेस क्या है 300, 300 पास किया तो वो कहाँ पहुँच गया, एक्स में पहुँच गया। ये बात समझ में आ रही है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, यही तुम लोग कहोगे क्विट सर हमसे नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग कर पाओगे। ध्यान से देखो रूल के अकॉर्डिंग ये आपका एक्सप्रेशन है, एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, कंबाइंडली ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब एक से ज्यादा हो तो हम लोग क्या चेक करते हैं प्रेसिडेंस, तो इसकी प्रेसिडेंस होती है राइट टू लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखना असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है आपकी, सबसे पहले क्या चेक करते हो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस चेक करा तो दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, सॉरी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं तो एसोसिएटिविटी इसकी क्या है राइट टू लेफ्ट है। तो ध्यान से सुनो राइट टू लेफ्ट का मतलब ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं ध्यान से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से। ओके फाइन, एक बात बताओ इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, इस इतने पोर्शन को, इतने पोर्शन को एस्ट्रिक वाई इक्वल्स टू एस्ट्रिक वाई प्लस टू, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ओके तो ध्यान से सुनो एक्स की बात बात में, तो एक सोचो वाई क्या है, हाँ जी वाई क्या है 300, 300 पे वैल्यू क्या है, 300 पे वैल्यू क्या है, 300 पे वैल्यू है आपकी 5 5 है, 5 plus 2 is what 7। अब आप लोग सोच रहे हो सर 2 पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं आपने ऐड किया, नहीं हम वैल्यू में चीजें ऐड करूंगा तो एज इट इज स्टोर करेंगे, क्योंकि y पे वैल्यू 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 5 एड्रेस में, जब एड्रेस में स्टोर करते हैं तो वो मल्टीपल स्टोर करते हैं जितनी भी मेमोरी का साइज होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो 7 हुआ, 7 किस में असाइन होगा, y क्या है इस समय 300, 300 पे वैल्यू क्या है 5 5 पे क्या आसान हो जाएगा 7। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो इतने का रिजल्ट कितना आया 7 7 किस में आसाइन हो जाएगा x, इतना काम हो गया, ठीक। अब जो कंट्रोल होगा वापस लूप में रिटर्न हो जाएगा तो a ऑफ i की वैल्यू प्रिंट होगी, तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, हाँ जी तो a ऑफ 0 का मतलब क्या प्रिंट होने वाला है 2। तो पहला एक्सप्रेशन जो रिजल्ट प्रिंट होगा 2 और b, b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 7, ठीक। अब ध्यान सुनो इस लूप के अंदर तो मैं घूमता ही रहूंगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तो इस लूप में गए i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 1 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू। अब एक बात बताओ अभी i की वैल्यू हो चुकी 1, अब क्या पास होगा a ऑफ 1, a ऑफ 1 का मतलब x इज व्हाट रिसीव करेगा, a ऑफ 1 क्या 4 रिसीव करेगा और एड्रेस ऑफ b अगेन 300 ही रिसीव करेगा, 7 का एड्रेस 300। इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, बट अगर आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो अभी आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, एक मिनट में आप लोग ऐसे लिखने वाले हो, ठीक है। अब गेन देखो ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा, ये इस एक्सप्रेशन को क्या लिखोगे एस्ट्रिक y इक्वल्स टू एस्ट्रिक y प्लस 2। तो एक बात बताओ y इज वॉट 300, 300 पे अभी वैल्यू कितनी पड़ी है 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 कहाँ असाइन होगा y 300, 300 पे वैल्यू पे क्या असाइन हो जाएगा 9, ठीक, और 9 ही आपका x में असाइन हो जाएगा। अब वापस कंट्रोल ले जाओगे, कंट्रोल ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, ये a ऑफ i, a ऑफ i की वैल्यू प्रिंट होगी। तो एक बात बताओ a ऑफ i मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 पे क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 9। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो 2 4, उसके बाद अगली वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है आपकी 6, क्योंकि 2 हुआ 4 हुआ 6 प्रिंट होगी, और हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट बार में क्या आएगा 6 और 11, नेक्स्ट टाइम में उसके बाद 8 और 13, उसके बाद 10 और 15, यही आने वाला है रूल, तो आप लोगों को देखते ही समझ में आ रहा हो। तो ठीक है i प्लस प्लस एक और चला लेते हैं, i इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन 5, a ऑफ 2, a ऑफ 2 का मतलब 6 पास होगा, 6 इज रिसीव्ड बाय हुम x, x ने 6 रिसीव कर लिया। अब ध्यान से सुनो अब रूल के अकॉर्डिंग एक बात बताओ ये जो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या कर रहा है 300 पे जो वैल्यू हो रही है उसको प्लस 2 कर दे रहा है, तो इसका मतलब इस समय y की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, और ये भी x भी 11 हो जाएगा इस केस में, और यहां पर जब वैल्यू वापस जाएगी तो a ऑफ i, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 6 और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी जो मैंने आपको बताया था 11 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में ध्यान से अब डायरेक्ट करते हैं i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, a ऑफ 3 का मतलब 8 पास होगा यहां पर, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है 8 पास होगा। अब ध्यान से देखना भाई ओके
और बी मतलब जो सेकंड पैरामीटर पास हो रहा है वो 300 ही पास होगा, तो लेकिन 300 मतलब 11 में भी यहाँ कितना ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा जब वापस आएगा 13 प्रिंट होगा, ए ऑफ आई 8 प्रिंट होगा, अगली बार जब 4 होगा तो क्या प्रिंट होगा आपका, ये आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, पूरा आप लूप चला सकते हो, और यहाँ से आपका क्या होगा 15। अब जब आई की वैल्यू 5 होगी, जैसे 5 इज लेस देन 5 कंडीशन इज फॉल्स, तो हम लूप से बाहर हो जाएंगे। सो दिस इज योर आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। Fine. Thank you for today. We will see the next lecture in next class.